लेक्चर तुमने देख लिया था, समझ में आ गया था ना तुम लोगों को कि सी स्टार और विदाउट सी स्टार वाला मैंने बता दिया था। किस किसने लिख लिया? तुमने नहीं लिखा, तुमने लिख लिया सोम कल वाला जो मैंने ग्रुप में भेजा था? देखा ही नहीं ग्रुप में। अरे इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी उसमें। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो अभी तो हमें ना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग टॉपिक है, उसको देख लेना आज जाके, ठीक है ना। दो टाइप के आपके ना ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड आपके दो टाइप के होते हैं जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। एक होता है विद सी स्टार, एक कौन सा होता है बेटा आपका विदाउट सी स्टार। विदाउट सी स्टार में क्या आते हैं बच्चों? उसमें मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसमें क्या आते हैं? मॉलिक्यूल। और विद सी स्टार में जो है ना, सी आपको बताया मैंने, सी स्टार इज नॉट एसेंशियल नीड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। लेकिन अब देखो यहाँ तक, वहाँ तक लिख लिया था, अब लिखो यहाँ पर स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल सेंटर मैंने कहीं बताया भी है इसके बारे में, कहीं बताया मैंने इसके बारे में आप लोगों को स्यूडो का कायरल सेंटर क्या होता है? देखो इधर, यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। अब यहाँ समझना ध्यान से, ओ एच और ये एच, क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये आपका कायरल सेंटर है? हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वी कैन नॉट असाइन आर एस कन्फिग्रेशन। यहाँ पर हम क्या नहीं असाइन कर सकते बेटा? आर एस कन्फिग्रेशन हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट असाइन आर एस कन्फिग्रेशन ऑन दिस एटम। क्यों नहीं कर सकते असाइन? क्योंकि ये आपका सी स्टार ही नहीं है। बताया था मैंने सी स्टार, सी स्टार क्या होता है बेटा? जिसमें चारों सेंटर अलग अलग होते हैं। तो यह आपका यहाँ पर मैं आर एस कन्फिग्रेशन असाइन ही नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ समझ पा रहे हो तुम लोग? अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, समझो, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया इस मॉलिक्यूल को, अब क्या यहाँ पर आर एस कन्फिग्रेशन असाइन कर सकता हूँ? अभी भी आपको क्या लग रहा है, कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, यहाँ पर जी आई होगा, अगर ये जी आई आपका हो जाए सीस और ये आपका जी आई हो जाए क्या? ट्रांस। तो मॉलिक्यूल तो हो गए ना अलग अलग, मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये आपका सीस हो जाए, ये आपका ट्रांस हो जाए, तब ये सी स्टार क्या करेगा? बोलो, तब ये सी स्टार बन जाएगा, तब ये कायरल सेंटर बन जाएगा। और जब ये कायरल सेंटर बन जाएगा तो तब इस पर हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसको मैंने मान लिया वन, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर टू। अब समझो, यहाँ पर इसको मैंने मान लिया वन, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर टू। अब देखो, वन एंड टू पर आपका क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से। वन एंड टू पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, वन एंड टू पर आपका क्या होगा? जी आई होगा। इफ क्या हो बेटा? इफ वन पर आपका क्या हो जाए? सिस। और टू पर आपका क्या हो जाए? ट्रांस। देन क्या होगा बेटा? देन क्या होगा बोलो? देन इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब देन इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? कायरल सेंटर। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? अगर मैंने इफ वन को मैंने मान लिया सिस, वन को मान लिया सिस और टू को भी मैंने क्या कर दिया? सिस, बताओ क्या ये आपका कायरल सेंटर होगा? देन इट इज़ नॉट अ क्या होगा बेटा? कायरल सेंटर। ये आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। समझ में आ गया? और इसी तरीके से अगर मैंने दोनों को क्या मान लिया मैंने, तो ये कायरल सेंटर होगा, खत्म। तो ऐसा भी कंडीशन आएगा, और इस टाइप के शुरुआत में आपको दिखेगा नहीं कि कायरल सेंटर है, लेकिन इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? स्यूडो कायरल सेंटर। हम क्या बोलेंगे? स्यूडो कायरल सेंटर। तो क्या
क्या बोलेंगे इस टाइप के कार्बन सेंटर को, हम क्या बोलेंगे बोलेंगे दिस टाइप ऑफ कार्बन सेंटर इज कॉल्ड स्यूडो कायरल सेंटर. क्या बोलेंगे इसको हम? स्यूडो कायरल सेंटर बोलेंगे. इस टाइप के कार्बन सेंटर को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्यूडो कायरल सेंटर. बात समझ में आ गई तुम लोगों को? इस टाइप के कार्बन सेंटर को हम क्या बोलेंगे? स्यूडो कायरल सेंटर. बात क्लियर हुई? नहीं हुई? क्या समझ में आया? ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है. तो यहाँ पर अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर सी स्टार अलग हो गया, और इस टाइप के कार्बन सेंटर को हम क्या बोलेंगे? स्यूडो कायरल सेंटर. समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये आपका सिस होगा, ये आपका सिस होगा, तो क्या ये स्यूडो कायरल सेंटर होगा? क्या ये कायरल सेंटर होगा? क्या कायरल सेंटर ही नहीं होगा? क्या नहीं होगा? कायरल सेंटर नहीं होगा. समझ में आ गया? एक और टर्म आता है बेटा हमारा, प्रो कायरल सेंटर. क्या? प्रो कायरल सेंटर. तो प्रो कायरल सेंटर क्या होता है अब समझना. प्रो कायरल सेंटर, ठीक है, ये आज तक नहीं पूछा गया है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रो कायरल सेंटर टर्म्स का मतलब समझना. यहाँ पर सी एच थ्री है, यहाँ पर CH2 सी एच थ्री बना दिया मैंने, ठीक है. अब यहाँ से मैंने, बताओ, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये वाले एटम में मैं बोल रहा हूँ, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अदर ग्रुप. मतलब एक हाइड्रोजन एटम को मैंने रिप्लेस करके क्या कर दिया? अदर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा किसी अदर ग्रुप से, करके देखो यहाँ पर, करके देखो, एक हाइड्रोजन एटम को किसी अदर ग्रुप से रिप्लेस करके देखो बेटा. सी एच यहाँ पर लिख दिया, सी एल कर दिया मैंने, सी एल से रिप्लेस कर दिया. अब ये वाला सेंटर आपका क्या बन जाएगा? कायरल सेंटर. तो यहाँ पर कितने टाइप के प्रो कायरल सेंटर होंगे? दोनों सिमिलर होंगे ना, तो यहाँ पर कितने टाइप के होंगे? एक टाइप का प्रो कायरल सेंटर. कौन कौन सा होगा प्रो कायरल सेंटर? ये और ये. अगर मैं उसको अदर ग्रुप से क्या कर दूँ बेटा? रिप्लेस कर दूँ, तो ये आपका कायरल सेंटर बन गया ना. तो ये आपका कायरल सेंटर बन गया कि नहीं बन गया? अब इसी में एक और देखो, CH3CH CH3. अब बताओ इसमें अगर मैं हाइड्रोजन एटम, बीच वाले हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं अदर ग्रुप से, तो क्या होगा? बीच वाले हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं अदर ग्रुप से तो क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं क्लोरीन से तो क्या होगा बोलो? बीच वाले हाइड्रोजन एटम को, तो ये कायरल सेंटर बन पाएगा? यहां पर आपका प्रो कायरल सेंटर नहीं होगा. यहां पर आपका क्या नहीं होगा बेटा? प्रो कायरल सेंटर नहीं होगा ये, ठीक है. अगर मैं इसमें बोल दूं एग्जांपल के लिए, यहां पर कौन कौन सा आपका प्रो कायरल सेंटर होगा बताओ? यहां पर कौन कौन सा आपका प्रो कायरल सेंटर होगा? ये वाला होगा, होगा या नहीं होगा? देखो एक बार करके, होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जैसे ही मैं प्रो कायरल सेंटर बनाऊंगा दो ग्रुप सेम आ जाएंगे ना, तो यहां पर तो नहीं होगा. कौन कौन से होंगे प्रो कायरल सेंटर? ये वाले दोनों. समझ में आ गए? यहाँ पर प्रो कायरल सेंटर आपका नहीं होगा. ये वाला आपका क्या नहीं होगा बेटा? प्रो कायरल सेंटर आपका नहीं होगा ये वाला. समझ में आ गया तुम लोगों को? तो प्रो कायरल सेंटर टर्म का मतलब समझ में आया? प्रो कायरल सेंटर टर्म का समझ में आया मतलब, अगर मैं किसी भी कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके किसी और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर दूँ, तो वो क्या बन जाता है बेटा आपका? प्रो कायरल सेंटर. क्या बन जाता है बेटा वो आपका? प्रो कायरल सेंटर. बात समझ में आ गया तुमको? टर्म्स, दोनों टर्म्स क्लियर हो गए? एक बार फटाफट लिखते भी जाओ साथ साथ. ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुमने पढ़ा है ना, आज उसका रिवीजन तुम्हारा हो भी जाएगा लगे हाथ, ठीक है. अगर तुमने ध्यान से पढ़ाया तो उसका तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा लगे हाथ, ठीक है ना. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी मैं रिवाइज करा ही दूंगा लगे हाथ. कल वाला लेक्चर है ना, देख लेना तुम लोग, ठीक है ना. उसके बाद मैं सारे लेक्चर भेज दूंगा, जो स्कूल आएंगे उनको मैं ऐसे बता दूंगा, ठीक है.
अब देखो यहां पर बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए बोलो, ऑप्टिकल एक्टिव किसी भी कंपाउंड का जल्दी बताओ। POS, COS नहीं होना चाहिए, तुमने तुमने किया वो क्वेश्चंस, ठीक है। POS, COS नहीं होना होना चाहिए। GI निकालने वाला तुमको आ गया क्वेश्चंस, नंबर ऑफ GI। डीके सिंह किया था, डीके सिंह के कहाँ तक हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस? कहाँ तक करवाए थे डीके सिंह के? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। डीके सिंह भी तुमको मैं हाँ हाँ कोई बात नहीं लाए, जल्दी देना आहिल बेटा। दिखाना तो कहाँ तक कर लिया था तूने बेटा? तुमने भी कर लिया था ना? डाउट नहीं आते क्या तुम लोगों को? पूछते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। GI वाला कर लिया था तुम लोगों ने कंप्लीट। अब देखो 261 से बेटा, 261 से आप लोग है ना कहाँ तक कर लेना, टू सिक्सटी वन से आप लोग कहाँ तक कर सकते हो? टू सिक्सटी वन से 361 पूरा कर सकते हो आप लोग, एक बार ट्राई मारना, हो जाएगा। थियरी मैंने जो लिखाई है वो है ना थियरी नोटबुक ओपन करके करना, ताकि तुम्हें समझ में आता जाए, हैंड टू हैंड टॉपिक है ना ये, याद होता जाए। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद हमारा क्या था बेटा बोलो? ये अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम कैसे निकालते समझते हैं बेटा। ओनली किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं केवल और केवल ऑप्टिकल की, नॉट ज्योमेट्रिकल। बात को ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल व आइसोमर। तुमको बताया था सिमेट्री और डिसिमेट्री का कंडीशन मैंने। देखो यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल समझो, अब पहला एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम कैसे निकालेंगे बेटा आप बताओ। सबसे पहले इसमें कितने कायरल सेंटर है, कितने का कायरल सेंटर है? एक है। या तो ये क्या होगा आर होगा, या तो ये क्या होगा। तो टोटल नंबर कितने आ गए बेटा? दो आ गए ऑप्टिकल आइसोमर। अब समझ में आ गया कुछ ही? चाहे याद आया GI के केस में हम क्या करते थे, सिस और ट्रांस। अब सेकंड अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर CH3 CH OH CH OH C2H5, क्या ये आपका सिमेट्रिकल है? क्या ये आपका सिमेट्रिकल है? नहीं है ना, डिसिमेट्रिकल है। तो क्या इसमें मीजो होगा? मीजो किस में होता है? मीजो किस में होता है? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री खिंच जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री खिंच जाए। मीजो बताया था ना, मीजोमर्स किस में होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि क्या होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड। चलो ठीक है यहाँ तक। चलो इसमें कितने कायरल सेंटर है आपके? दो, एक ये वाला एक ये वाला। आप बताओ क्या होगा जल्दी से? क्या वो एक बार दोनों आर हो सकते हैं? एक बार ये आर हो सकता है, एक बार ये एस हो सकता है, एक बार ये आर, और एक बार दोनों एस। कुछ याद आ रहा है GI वाला कंडीशन? वही करना है। अब यहाँ पर बोलो कि क्या हो जाएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 4। समझ में आ गया तुम लोगों को? क्लियर हुआ कंसेप्ट? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ गए बेटा यहाँ पर? 4। अब देखो बेटा यहाँ पर एक और कंडीशन समझो, एक और तुम्हें एग्जाम्पल जो जो मैं करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है ना? थर्ड, अब देखो फोर्थ में थर्ड कंडीशन। अब तुम लोग खुद से बनाओ, एक बार तुम लोग खुद से बनाओ क्या क्या बन सकते हैं। सबसे बोलो सबसे पहले बताना मुझे, क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है?
सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। मैंने उसमें इंडेक्स बनाया था, अगर सी स्टार अगर आपका सिमेट्रिकल होता है तुमने बनाया ना इंडेक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने एक इंडेक्स बनवाया है, लास्ट लेक्चर आपने नोट डाउन नहीं किया, नोट डाउन कर लेते तो उसमें समझ में आ जाता। लास्ट लेक्चर वाला दे देखो, सी स्टार, सी स्टार अगर आपका क्या होता है बेटा बोलो, सी स्टार अगर आपका सिमेट्रिकल होता है तो चेक करो उसमें, इंडेक्स में चेक करो, इंडेक्स में चेक करो बेटा, सी स्टार आपका क्या हो जाए। ना ना सी स्टार वाला कल जो मैंने भेजा था लेक्चर ये रहा था ना सी स्टार। हाँ, अगर आपका सी स्टार, अगर आपके सी स्टार है ना दो कार्बन से सिमेट्रिकल आ जाए, सिमेट्रिकल सी स्टार हो जाए तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, वहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, या तो दोनों आर आर सेम हो या तो दोनों एस एस हो, ठीक है, या एक आर होगा एक एस होगा। तो उस कंडीशन में क्या आपका हो जाएगा, वो मीजोमर। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, वो मीजोमर। तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। अब बोलो जल्दी से, यहाँ पर कितने कायरल सेंटर हैं, जल्दी बताओ कितने कायरल सेंटर हैं, एक दो तीन, तीन कायरल सेंटर हैं। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। तो बताओ क्या क्या कंडीशन बन सकती है, एक बार तीनों क्या हो जाए, एक बार बोलो सब, आर आर एस, एक बार क्या होगा एस एस आर, एक बार क्या होगा टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल ओ आई कितने हो गए बेटा यहाँ पर, एट। टोटल ओ आई कितने हो गए बेटा यहाँ पर, एट हो गए। बात क्लियर है टोटल ओ आई कितने हो गए बेटा यहाँ पर, एट। समझ में आ गया अनसिमेट्रिकल में कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन जब सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें बताओ, लेकिन जब तुम्हारा सिमेट्रिकल हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, सेम सेम वाले कैंसिल होंगे ना, यहाँ से देखोगे तो भी वही, यहाँ से देखोगे तो भी वही। तो उस टाइप के कंपाउंड क्या होंगे बेटा आपके, मीजो होंगे। कौन से होंगे, मीजोमर। नहीं आया समझ में, मीजोमर का मैंने एक एग्जांपल कराया था बेटा, कॉपी में देखो मीजोमर का मैंने एग्जांपल भी कराया था, तुम लोगों को चेक करो, मीजोमर का एक एग्जांपल मैंने कॉपी में करवाया था, आप चेक करो ना, कॉपी चेक करो, कॉपी में समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर CH3, CHOH, CHOH, CH3, ठीक है ना, मैंने मतलब मेज द कॉलम के जस्ट बाद कराया था मैंने मीजोमर का एक एग्जांपल। अब उसमें देखो मीजो कब बन रहा है, मीजो कब बन रहा है बोलो, जब आपका एक क्या हो बेटा, वो आर ओ, एक क्या हो बेटा आपका, हाँ एस ओ, क्या आपका उस टाइम मीजो बन रहा है जब दोनों आर ओ, नहीं बन रहा ना, समझ में आ गया होगा अब तुम्हें। इसलिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है तो ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन समझना बेटा, अगर मेरे पास सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच थ्री, अब ये क्या हो गया बेटा मेरा, अब ये क्या हो गया बोलो, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में ये मान लिया दोनों पहले वो आ रहे हो गया ना, उसके बाद क्या होगा आर एस, एक क्या होगा एस आर, एक क्या होगा एस एस। जब दोनों यहाँ से जाएंगे तो भी आपको आर एस, और यहाँ से जा रहे तो भी आपको आर एस दिख रहा है, मतलब दोनों सिमेट्रिकल हो गए ना, यहाँ से जाए तो आपको पता ही नहीं पड़ रहा अलग कहाँ है। तो ये आपका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, तुमको याद आ रहा होगा सिमेट्रिकल में हम क्या करते थे, ज्योमेट्रिकल में मिरर इमेज बनाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एस आर, इससे ये आपका कट जाएगा। टोटल कितने हो गए ओ आई, टोटल कितने हो गए तीन। क्लियर हो गया आपको, अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो देखो यहाँ पर मैं अभी फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ऑप्टिकल आइसोमर निकालना आ गया, कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा इस चीज़ को समझो, फिफ्थ क्वेश्चन, अब बताओ फिफ्थ क्वेश्चन कौन बताएगा,
यहाँ पर कितने कायरल सेंटर है, यहाँ पर कितने कायरल सेंटर है? दो। कौन कौन से? नीचे, बीच वाला नहीं है ना। लेकिन अगर ये आपका आर हो जाए, ये आपका एस हो जाए, तो बीच वाला कायरल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये कौन सा कायरल सेंटर है? सीडो कायरल सेंटर। अब आ गया समझ में? ये आपका कौन सा कायरल सेंटर है? सीडो कायरल सेंटर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा बात? अब इसका मैं कन्फिग्रेशन बनाता हूँ, समझना। अगर दोनों आर होंगे तो ये कायरल नहीं होगा, खत्म बात है। तो एक एक करके बनाओ। तीन कायरल सेंटर है तो क्या होगा बोलो? आर आर आर, और एक क्या होगा बोलो बेटा? एक क्या होगा जल्दी बोलो? आर आर एस। एक क्या होगा? आर एस आर। एक क्या होगा? एस एस आर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मुझे एक चीज़ बताना, थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्लियर हो गया? ये आपका आर 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 है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा जी, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। एस आर आर, यहाँ कौन सा बनेगा? आर एस आर, और कौन सा बनेगा? आर आर एस, और एक कौन सा बनेगा? एस एस एस। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, कौन कौन से आपको सेम दिख रहे हैं? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, आया ना? ये वाला आपका शो करेगा, आया ना? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया? क्या ये वाला आपका शो करेगा, आया ना? बीच में करेगा ना शो, ये वाला एक बनेगा आपका। लेकिन ये तो आपका सिमेट्रिकल है ना, ये तो आपका सिमेट्रिकल है। रुको, तो मैंने गलत कर दिया, दो आर आर मैंने मान लिया है। अब यहाँ पर आर एस एस क्या होगा बोलो जल्दी से? हाँ एस एस, यहाँ पर क्या करें? आर, दो मिनट, एस आर एस बनेगा एक, एक क्या बनेगा बेटा? आर एस एस, टोटल आठ बनेंगे, ठीक है ना? रुको दो मिनट, इसको बना लेते हैं। देखो आर 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 हो गया एक, एक क्या हो जाएगा बेटा बोलो? आर आर एस, एक क्या हो जाएगा? आर एस आर, एक क्या हो जाएगा? एस आर आर, एक क्या हो जाएगा बेटा बोलो? एस एस आर, एक क्या हो जाएगा? एस आर एस, एक क्या हो जाएगा? आर एस एस, एक क्या हो जाएगा बेटा? हो गया एस एस एस। टोटल आठ कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है, आठ कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखो यहाँ पर दो आपके कायरल है, ठीक है, लेकिन ये वाला तो आपका सीडो है, ये वाला आपका सीडो है। जैसे ही तुम इसको रिपीट मारोगे, बीच वाले में तुमको देखना नहीं है, बीच वाले में तुम लोग मत देखो, बीच वाला तो सीडो है ना, बीच वाले को भूल जाओ। अब इसका अगर तुमने, ये आपका आर हुआ, ये आपका आर हुआ, ये आपका आर हुआ, इसका मिरर बनाओगे तो क्या बनेगा? मिरर बनेगा कि नहीं बनेगा? मिरर बनाओगे तो क्या बनेगा? एस एस एस, दो दो पॉसिबल है। लेकिन बीच वाला आपका कायरल नहीं है, बीच वाला यहाँ आपका कायरल नहीं होगा। अब समझो, अब देखो यहाँ पर आर एस आर है, तुम लोग है ना सिमेट्रिकल वाला चेक कर लो, सिमेट्रिकल वाला सही दा चेक करो, सिमेट्रिकल है ना, जल्दी निकालो। इसका क्या बनेगा? एस आर आर, इससे ये आपका कट गया, कट गया। यहाँ पर क्या होगा बेटा बोलो जल्दी से? आर एस एस, इससे ये आपका कट गया। सिमेट्रिकल में जो कटेगा वो कौन सा होगा? मीजो। सिमेट्रिकल में जो कटेगा वो कौन सा होगा? मीजो। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, ऑप्टिकल एक्टिव कौन वाला दिखा रहा है? केवल और केवल यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी वजह से आ रही है? बीच वाले की वजह से। तो ये दोनों जब आपके आर होंगे तो क्या बीच वाला आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा ना, बीच वाले को कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये खत्म हो गया। ये दोनों आर होंगे तो क्या आपका बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा?
क्या आपका बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा। तो दोनों क्या हो गए बेटा यहाँ पर? आर आ रहे, ये भी आर आ रहे, सिमिलरली तो हो गए, सिमिलर तो हो गए। एक आपका ये वाला आपका ख़त्म हो गया। अब सोचो दोनों साइड वाले ऐसे से, क्या बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा। अब दोनों साइड में ऐसे से, क्या बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा मुझे, दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा। ये वाला ख़त्म हुआ, बचाओ बताओ कितने हुए टोटल? चार। समझ में आया ये सीडो वाला? समझ में आया कैसे किया? देखो समझो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाया और है ना सिमेट्रिकल की वजह से जो कट गया वो कौन सा होता है? मीजो। वो कौन सा होता है? मीजो। अब तुम देखो यहाँ पर बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव कब नहीं दिखाएगा? कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा? या तो आर आर एस आपका आर हाँ आर एस आर हो जाए तब बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, उसको उसको मानेंगे ही नहीं। एक कौन सा कंडीशन होगा, एक और बोलो। एस आर एस हो जाए तब भी नहीं होगा, एस 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 हो जाए तब भी नहीं होगा, या फिर आर 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 हो जाए तब भी नहीं होगा बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है ना? तो बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पर बीच वाले से तो कंसिडर ही नहीं करना है। अब देखो आर आर सेम आ गए, आर आर सेम आ गए, तो इसमें से मैंने एक को काट दिया है, इसमें से मैंने एक को गायब कर दिया है। समझ में आया तुम लोगों को? ये दोनों सिमेट्रिकल ही है, क्यों? क्योंकि बीच वाला तो आपका ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही नहीं ना, बीच वाला तो आपका क्या नहीं है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव। स्यूडो कायरल सेंटर समझ में आया अच्छे से? नहीं आया, एक और क्वेश्चन करेंगे, लिखो पहले इसको। इसको लिखा, अब एक बार तुम लोग इन्हें ट्राई करना, तुम लोग ट्राई करना स्यूडो कायरल सेंटर एक बार ट्राई करना, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। इसको ना रीजन के साथ लिख लेना, ठीक है ना? अब देखो अगला अगला मैं आपको बता देता हूँ जल्दी। आई लिखा है, इतना इतना लिखा। ये वाला बताना बेटा तुम लोग, एक बार ट्राई मारो खुद से, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है ना? स्यूडो में अपना अपना दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है? एग्जांपल अब बताओ कितने कायरल सेंटर है एक्चुअली में देखा जाए आए तो? तुम्हें कितने दिख रहे हैं? चार। कौन सा वाला नहीं दिख रहा? बीच वाला। भी बीच वाला कौन सा होगा? सीडो होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया तुम लोगों को? अब ये सीडो कायरल सेंटर कब आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं दे दिखाएगा? कब आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं दे दिखाएगा? कब आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं दिखाएगा? सोचो, जब ये आपका आर हो जाए, 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 तब ये वाला आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। समझ में आ गया? दोनों सिमिलर हो गए ना। और एक बार कब नहीं दिखाएगा बेटा बोलो? जब ये आपका क्या ना हो जाए बेटा, ये आपका एस 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 हो गया। एक कौन सा कंडीशन होगा बताओ, थोड़ा और सोचो। जब ये आपका आर एस हो जाए, ये आपका आर और ये आपका आर एस हो जाए, तब भी नहीं दिखाएगा? दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा ना, पक्का श्योर? जब ये आपका क्या हो जाए, एस आर हो जाए, ये आपका आर हो जाए, ये आपका एस आर हो जाए, तब भी नहीं दिखाएगा? कन्फर्म कन्फर्म श्योर? और कौन सा कंडीशन में नहीं दिखाएगा? जब ये आपका वो आर एस हो जाए, एस हो जाए, आर एस हो जाए, तब भी नहीं दिखाएगा? बीच वाला आपका बीच वाला ऑप्टिकल एक्टिव कब नहीं दिखाएगा? मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? मैं ऐसे पेयर ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मैं ऐसे ऐसे पेयर बना रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा बोलो जल्दी से? दोनों आपके यहाँ पर एस आर एस एस आर, या आपके कुछ ऐसे है कि जो आपके नहीं दिखाएंगे? और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है? आर एस आर एस, ठीक है। एक कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है बताओ?
नहीं नहीं ये वाला बनेगा, एस आर वाला बनेगा, मतलब जस्ट उल्टा वाला बनेगा, ठीक है ना, एस आर, हाँ आर एस, ठीक है, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बताओ। अब देखो यहाँ पर ये एस एस, ये एस और ये अब समझना, ये एस 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 एस, क्या ये कैरल सेंटर होगा? ये आपका आर 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 आर, क्या ये कैरल सेंटर होगा? ये आपका आर एस, ये आपका एस आर, क्या ये कैरल सेंटर होगा? सिमिलरली है ना। अब अगर ये आपका एस आर, ये आपका ए, ये आपका एस आर, ये आपका आर एस, क्या ये कैरल सेंटर होगा? नहीं होगा। और बताओ फटाफट और कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये आपका एस आर, ये आपका क्या हो जाए? आर एस, क्या ये कैरल सेंटर होगा? तो इतने सारे में कौन सा है बेटा? सीडो कैरल सेंटर। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ कॉम्बिनेशन। कौन से बनेंगे बेटा? सबसे पहले सारे आर हो जाए, ठीक है, सबसे पहले सारे क्या हो जाए बेटा? उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। हाँ एक आपका कौन सा हो जाए? हाँ एक एस, एक कौन सा होगा बोलो जल्दी से, एक कौन सा हो जाएगा? ठीक है, और कौन सा हो जाए बेटा बताओ? आर, और एक कौन सा हो जाएगा? हो गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अगला बनाओ, टोटल 32 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल 32। पहले बता दिया हमने कितने बना लिए? 6। अब बताओ अगला कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? तो थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर एक और बन सकता है, जब ये आर आर एस आर आर हो जाए, जब यहाँ पर क्या क्या हो जाए? एस एस आर एस एस हो जाए, ठीक है। टोटल मैंने निकाल लिए कि जब ये स्यूडो कायरल सेंटर होने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? इसके बाद बोलो, यहाँ लिख दूँ मैं, ऊपर लिख रहा हूँ, समझ में आया ना? 32 बनेंगे ना कॉम्बिनेशन, तुमने इसको लिख लिया? क्या लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी लिख लो, मैं 32 कॉम्बिनेशन बना के तुमको बताता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, फॉर्मूला फिर मैं बाद में लिखाता हूँ। क्योंकि अगर लॉजिकली सोचोगे ना तो फॉर्मूले से जो आंसर आएंगे वो तुम्हारे कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, तुम दोनों तरीके से सोच सकते हो। लिख लिया ये वो आहिल, तुमने लिख लिया ये वाला जिनमें लिखा ये वाला पार्ट? ये जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी लिख। और क्यों, कहाँ पर सीडो आ रहा है समझ में आ गया? सीडो कहाँ बन रहा है समझ में आ गया? अब सीडो कहाँ बन रहा है चेक कर ले, सीडो कब बनेगा? सीडो के तीन प्रोबेबिलिटी है ना, जब ये आर 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 हो जाए, जब ये एस आर एस हो जाए, जब ये एस आर एस हो जाए, जब ये क्या हो जाए? आर एस आर। चार प्रोबेबिलिटी है सीडो बनने की। सीडो समझ में आया ना? देखो अब देखो मैं इस यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ अब मैं। समझना बेटा, ध्यान से समझो, कोशिश करो, तुम लोगों को आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा मैं लॉजिकली अप्रोच बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, पीएनसी पढ़ा है ना, तो तुम्हें ये भी आ जाएगा। अब ये सिंपल है, 6 हो गए, 6 के बाद बोलो जल्दी से, एक कौन सा होगा? आर आर, बोलो आर एस एस, एक कौन सा होगा? आर, बोलो आर एस आर एस एस आर, ठीक है, एक कौन सा होगा बोलो जल्दी से? आर एस एस आर आर, एक कौन सा होगा? एस एस आर आर आर, हो गया क्लियर? एक कौन सा होगा बताओ इसके अलावा? इसमें कितने बनेंगे जल्दी बताओ? यहाँ पर एक एस को अंदर भेज दो, आर आर एस आर एस, एक बोलो आप क्या होगा? एस आर आर एस, एक कौन सा होगा?
हो गया ये, एक कौन सा होगा बोलो? अब यहाँ पर हो गया, अब इस वाले को तो मैंने बाहर कर दिया, अब इस वाले को अंदर भेज दे, क्या होगा? आर आर एस एस आर, एक कौन सा होगा जल्दी बोलो? हाँ क्या हुआ, रिपीट आ गया? चलो क्या होगा, कितने बन गए यहाँ पर? वो एक और बनेगा इसका, एस आर आर एस आर, एक बन 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 जाएगा। अब ये बोलो एक कौन सा बनेगा, आर एस, हाँ क्या बनेगा बोलो? एस आर एस आर आर, देखो रिपीट हो रहा है कोई भी, चेक करते जाओ। आठ बन गए, आठ ही बनेंगे, आठ बन गए, आठ ही बनेंगे, समझ में आ गया? आठ ही सेट बनेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद जब आपका है ना, जब आपका समझना, मैं तुमको बताओ, जब आपके चार होते हैं, सुनना, जब आपके चार होते हैं, दो अलग अलग होते हैं तो कितने सेट बनते हैं? छः। जब आपके पाँच होते हैं, एक दो सेम होता है, तीन सेम होते हैं, तो कितने बनेंगे सेट आपके? आठ सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? आठ। अगला बताओ कौन सा सेट बनाओगे, बताओ? आर एस आर एस, देखो यहाँ पर होगा आर एस आर एस आर आर एस आर एस आर एस आर। अब बताओ एक और सेट हो सकता है फिर, तो दस ही बनेंगे फिर, दस बनेंगे। कितने हो गए टोटल? ये दस हुए ना, हाँ मैंने आठ बोले थे सॉरी। कितने सेट बनेंगे? दस। अगले वाले का भी कितने बनेगा सेट आपका? दस। छः पहले बना लिए, दस कितने हो गए? सोलह। अब दस का सेट बनाओ वापस, जल्दी से बनाओ। अब क्या करो तुम लोग ना, सेट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत मत करो। अब क्या करो कि जैसा तुमने यहाँ सेट बनाया ना, वैसा ही अब हो जाएगा ना, क्योंकि अब क्या आ जाएगा बेटा आपका, दो आर आ जाएगा, तीन एस आ जाएंगे। जल्दी जल्दी बोलो, आप जल्दी जल्दी बोलो, सेट बोलो फटाफट। इसकी तरह ही बनाते जाओ ना, आर की जगह एस एस करते जाओ। जल्दी बोलो, एस एस आर आर एस। अगला बोलो क्या हो जाएगा बेटा, एस आर आर एस एस। अगला क्या हो जाएगा, आर आर एस एस एस। अगला क्या हो जाएगा, एस एस आर एस आर। अगला क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, एस आर एस एस आर। अगला क्या हो जाएगा, आर एस 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 आर, सही है ना? सही है कि गलत है बेटा? सही जा रहा है, तुम लोग ध्यान रखना। अब बोलो आर एस एस, बोलो जी जल्दी से आर एस। अगला क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, आर एस आर एस एस। अगला क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट लास्ट क्या होगा बेटा बोलो, एस आर एस आर एस। आ गए आपके तीन तीन वाले आ गए। अब लास्ट कौन सा बनेगा बताओ, जिसमें एक, जिसमें क्या हो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया दो, जिसमें एक आर हो चार एस हो, वो ऐसा ही दिखेगा ना कुछ आपको, कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। छः और ये दस और ये दस, कितने हो गए? 26 26 हो गए, 26 प्लस 6, हाँ हो गया ना टोटल 32, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताओ अगला सेट क्या होगा बोलो जी फटाफट, इसके हिसाब से एस 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 आर। अगला क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बोलो, एस 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 आर एस। अगला क्या हो जाएगा, एस एस आर एस एस। अगला क्या हो जाएगा, एस 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 आर, बोलो एस एस एस। अगला क्या हो जाएगा, आर एस 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 एस, हो गया ये। और एक लास्ट सेट कौन सा होगा,
ऐसे ऐसे समझ में आ गया तुम लोगों को, अब क्लियर हो गया फंडा। ये मैंने सारे सेट बना दिए, ठीक है जी, लेंदी है लेकिन तुम्हें एक बार विजुअलाइज कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें किस किस को हटाना है, अब काटते जाओ। ये वाला एक रखो, ये वाला एक रखोगे तो बाकी सब कटेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग ना मीजो को काटते हैं, किसको काटते हैं, मीजो को। अब सिमेट्रिकल गया ये खत्म, अगला कौन सा होगा, आर एस आर आर आर, ये भी गया गया। अब कोई जा रहा है इसके अलावा, इसके अलावा ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, समझ में आया। अगर मैंने इसमें से एक को काउंट किया तो सब तो सिमिलर ही है, सब तो सिमिलर ही है, एक को काउंट करना है ना, स्यूडो कायरल सेंटर है तो एक को काउंट करेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर में हम एक को ही काउंट करेंगे, बाकी सबको हटाएंगे। तो इन सब में से पूरे बैग में हम किसको काउंट करेंगे, केवल एक को काउंट करना है, ठीक है, वो बात की बात है, पहले हम उसको काटते हैं। अब बताओ इसमें कौन सा कटेगा बेटा, जल्दी बोलो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बोलो एस एस आर आर आर, एस एस आर 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 कहीं आ रहा है, एस एस आर 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 कट गया। अगला कौन सा कटेगा बोलो, यहां पर क्या होगा, आर एस एस आर आर, क्या कटेगा, गया। अगला कौन सा होगा बोलो जी जल्दी से, एस आर एस आर आर, क्या क्या ये कटेगा, कट गया। अगला क्या होगा बेटा बोलो जी जल्दी से, यहां पर बोलो एस आर आर एस आर, क्या ये कटेगा बोलो, कट गया सब। अब बताओ क्या ये वाला आपका कटने वाला है, ये वाला आपका कटने वाला है, बताओ, नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यहां पर क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसमें बताओ इसमें कौन कौन सा कटेगा, एस 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 आर आर काटो, कौन सा है, ठीक है एक ये वाला एस आर आर एस एस, बताओ कौन सा होगा, ये वाला बताओ क्या होगा, आर एस आर एस एस, क्या ये कटेगा, अगला बताओ, कितना, हाँ बोलो जल्दी से, आर एस एस आर एस, क्या ये कटेगा, ये वाला कट गया, कट गया आपका। और कोई सा कट रहा है इसके अलावा, देखो नहीं कट रहा, समझ में आ गया। अब ये बताओ यहाँ पर जल्दी बोलो, अब सबसे पहले आर एस एस ये आपका कट गया होगा, ये वाला आपका बताओ एस आर एस एस एस, क्या ये आपका कट गया है। ये सारे जो कटे हैं वो सारे के सारे कौन से, मीजो, सारे के सारे कौन से, मीजो, समझ में आ गया, सारे के सारे कटे वो कौन से, मीजो। बचे कितने, एक दो तीन चार बोलो, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस, अब समझो हो गया बीस। अब यहाँ पर स्यूडो है ना तो बीच वाले को काउंट ही नहीं करना। अब ये हटाओ, ये मैंने बीच वाले को डैश बना रहा हूँ स्यूडो की वजह से, ये मैं डैश डैश बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं 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 डैश बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया मैंने डैश की जगह आर लिख दिया छोटा वाला, यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँ, आर लिख दूँ, यहाँ पर भी मैंने आर लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने आर लिख दिया, यहाँ पर एस 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 लिख दिया, देखो हो गया। अब समझो, समझो ये आर आर वाला कहीं आपका रिपीट खा रहा है इसके सेकंड लास्ट, तो आर आर एस आर 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 आर, इन दोनों को एक मानना है,
बताओ कौन सा होगा? ये आर 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 वाला है, ये दोनों भाई एक ही है, कहाँ पर है वो ना, एक एस वाला है ना, ये दोनों एक है, कितना है ये आपका एक। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या है, एस एस, अब एस एस वाला ढूंढो, एस एस आर के साथ एस एस है एक बार, ये दोनों भाई सेम है, तो कौन सा वाला सेम होगा, ये वाला और कौन सा वाला, ये वाला और कौन सा वाला, एस एस आर एस एस, ये दोनों एक होंगे, हो गया एक, समझ में आ गया। अगला कौन सा एक होगा बोलो, आर एस एस आर वाला एक होगा, अब बोलो आर एस एस आर, अब देखो आर एस एस आर कब आएगा, आर एस एस आर कब आएगा, जब दो एस हो, दो दो एस वाले में ढूंढो, दो एस वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा बोला बेटा मैंने, आर एस आर एस, नहीं नहीं ये वाला नहीं, आर एस आर एस आर एस एस आर, एस आर कौन सा वाला, आर एस एस आर, हाँ हाँ नीचे वाला, ये वाला एक हो गया, और ये किसके साथ कंबाइन होगा बेटा, आर एस 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 आर के साथ, तो तीन एस वाले नीचे किसके साथ कंबाइन होगा, ये वाले के साथ ना, अरे आर एस बीच वाला गायब करना, आर एस एस आर कारण इसी के साथ तो कंबाइन होगा, ध्यान से देखो ना कंपाउंड, आर एस बीच वाला गायब करो, एस आर वो आर एस एस आर, ये वाला गायब कर, आर एस एस आर इसी के साथ कंबाइन होगा, एक कौन सा होगा बताओ, ये वाला हमने कर दिया, आर एस एस आर वाला, आर एस एस आर वाला कर दिया, एक कौन सा होगा, एस आर एस वो एस आर आर एस वाला, अब बताओ एस आर आर एस वाला कहाँ होगा, एस आर आर एस एक ये होगा, और ये किसके साथ सिमिलर होगा, एस आर आर एस इसके साथ हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ये आपको टोटल मैंने कैसे सिमिलर निकाल लिया। अगला कौन सा है, आर एस एस आर, आर एस एस आर शायद से तुमने निकाल लिया है, आर एस एस आर निकाल लिया है, उसके अलावा कितने, चलो ठीक है, अब तुम्हारे कितने गए इसमें से, इसमें से कितने गए, इन दोनों को एक मानना है, एक हो गया, दो तीन हो गया, कितने हो गए, तीन हो गए, पक्का तीन हो गए, समझ में आ गया, चार पाँच छ सात, ठीक है सात हो गए, ठीक है अब इन दोनों को एक मानना है, आठ, इन दोनों को एक मानना है, नौ, नौ हो गए, दस ग्यारह बारह तेरह, कितने हो गए, तेरह हो गए पक्का, चौदह पंद्रह सोलह, टोटल आइसोमर कितने हो गए, सोलह, समझ में आ गए, समझ में आ गए, ये वाला क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो पूरा एनालिसिस कर सकते हो, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए इसके, ठीक है अब मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है कभी अगर तुम्हारे मन में डाउट भी आए, अगर तुमने इस तरीके से किया तो तुम्हें मीजो पता लगने लग जाएगा और स्यूडो कायरल सेंटर का खेल तुम्हें वो इजीली समझ में आएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से किया तो स्यूडो कायरल सेंटर तुम्हारा चला जाएगा, मीजो भी चला जाएगा, समझ में आया, समझ में आएगा, मीजो मीजो किससे कटता है बेटा आपका, मिरर इमेज से, स्यूडो कायरल सेंटर पहले निकाल लो अलग से, समझ में आ गया, इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है और इसी के हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया है। अब लिख लो, अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग है ना जो क्वेश्चन कराए उस पर अप्लाई करना, ठीक है अब अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हुआ तो टोटल ओआई, टोटल ओआई कितना हो जाएगा बेटा आपका, 2 की पावर n, टोटल ओआई कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर n, और अगर सिमेट्रिकल हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, सिमेट्रिकल हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, सिमेट्रिकल हुआ तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल होगा तो क्या हो जाएगा, 2 की, अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल हुआ तो 2 की पावर n-1 बोलो प्लस 2 की पावर n/2-1, यहाँ n क्या हो आपका, होना चाहिए इवन या ओड, इवन, समझ में आया,
लेकिन जब ओड होगा तो क्या होगा, 2 की पावर n-1। चेक कर लो, ओड है कितने, 5 दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहे हैं आपको, कितने 5 सेंटर दिख रहे हैं, 2 की पावर 5-1 कितना हो गया, आ गया। और तीन वाले में चेक करो, तीन वाले में मैंने तीन वाला भी कराया ना आपको, मीजो वाला, उसमें चेक करो 2 की पावर 3-1 कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, अब वो अनसिमेट्रिकल वाला चेक करो, अनसिमेट्रिकल वाला चेक करते जाओ, फॉर्मूला चेक करते जाओ। अनसिमेट्रिकल वाला 2 की पावर n कितने, 2 है, कितने हो गए टोटल, आगे और लगाओ, कोई भी लगाओ उसमें। लेकिन हमको फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं ये क्यों बताया बताता हूं मैं आपको, आपको स्ट्रक्चर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको अटपटे मिलेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था ना, जीआई में कराया था ना मैं, वैसे मिलेंगे स्ट्रक्चर, तब क्या करोगे। तो थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है ये वैसे देखा जाए तो, बस आपको कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। देखो 5 से ऊपर नहीं पूछेगा, 7 नहीं पूछेगा, 7 कॉम्बिनेशन नहीं पूछेगा, 7 कॉम्बिनेशन पूछा तो 2 की पावर 7-1 कर देना, 2 की पावर 6। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आपको पता पड़ गया होगा स्यूडो कायरल सेंटर कैसे निकालते, बताओ स्यूडो कायरल सेंटर निकालना आ गया, समझ में आ गया, अब तुम्हें खेल आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, देखो बेटा टोटल एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इसका, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको प्रैक्टिस कर लेना। स्यूडो कौन सा होगा, ठीक है, तुम्हें इसी में प्रैक्टिस करना है। और ये मुझे बताओ स्यूडो हमेशा कहाँ मिलेगा, जब इवन होगा, जब आपका ओड होगा तभी आपको स्यूडो मिलेगा। क्लियर हो गया बात, अगर आपका इवन ओड नहीं हुआ तो क्या आपको स्यूडो मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी तो हमने केवल और केवल ऑप्टिकल का बनाया है, अब हम ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल, इस कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। लिख लो ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल प्लस, अगला करो जल्दी से। अब जिन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको अब समझ में आएगा। ये वैसे चैप्टर बहुत ईजी है अगर आप एनालिसिस करना सीख गए तो। और मैं बताता हूँ कॉपी के, अगर तुमने सारे क्वेश्चन कर लिए तो कॉपी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला, गारंटी है मेरी। अब बोलो कॉपी के बाहर एक क्वेश्चन मैं नहीं हिलने दूंगा। कॉपी ऐसे रटो कि जैसे कॉपी के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारा, समझ में आ गया। बना लिया आपने 32, मुझे 32 कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे पता पड़ता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे पता पड़ता है मैं तुम्हें बता देता हूँ कितने बनेंगे। मुझे पहले पता पड़ने का रीज़न ये, 2 की पावर n इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कोई भी कंपाउंड दिखाएगा तो मैक्सिमम 2 की पावर n दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। तो इसमें कितने, 5, तो 2 की पावर 5 लगा दिया, 32 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाले। सिमिलर बनेंगे वो, अंदर अंदर ही अंदर सिमिलर बन जाएंगे, लेकिन 32 से ज़्यादा, समझ में आ गया। दे वो आपका मैक्सिमम ओआई का है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना बनता है, 2 की पावर n। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमेशा कौन सा बनता है, 2 की पावर n। आपको पता, मुझे 32 कैसे पता पड़ा, समझ में आ गया। टोटल तुम्हारे सामने 16 निकाल दिए, 16 के 16 कॉम्बिनेशंस। एक्चुअली मैंने कॉम्बिनेशन निकालना क्यों बताया पता है आपको, अब आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बनाएगा और आपसे पूछा जाएगा 5 कॉम्बिनेशन बना के डाल देगा। अब बताओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपका मीजो है,
कौन सा कॉम्बिनेशन आपका स्यूडो है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही में ऑप्टिकल एक्टिव है, वो आपसे पूछा जाएगा। समझ में आया कॉम्बिनेशन बनाना मैं क्यों पूछ रहा हूँ, समझ में आया तुम लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। तुम्हें कॉम्बिनेशन से करना कि फॉर्मूले से? हाँ दोनों से, दोनों तो बता ही रहा हूँ ना। अब तो फॉर्मूला तुम लोग घर पे लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। इसमें ही दिक्कत आती है, दिक्कत इसमें ही आएगी तुम्हें। अब तुम सोचते कि अगर मुझे 2 की पावर, सर इसमें 16 बनेंगे, अगर तुम लोग पूछते सर बताओ कौन से 16 बनेंगे, तो देख लो कौन से 16 बनेंगे। समझ में आ गया? वो भी तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से आपके 16 बनने वाले, इसके अलावा कोई और नहीं बनने वाले। समझ में आ गया? चलो हटा दो अब मैं इसको। लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया बेटा? एक बार घर पे खुद से भी करना, जब तक खुद से करोगे ना कॉम्बिनेशन बना बना के, तो तुम्हें 100% बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन बनाना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके चलते तुम्हारे बहुत कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग तुम्हारी होती जाएगी, क्योंकि लॉजिकली पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इसी से होगा, ऐसे नहीं होगा। अब देखो स्टीरियो आइसोमर के अंदर कौन कौन आता है? स्टीरियो आइसोमर के अंदर कौन कौन आता है? जी आई और ओ आई। अब एक लाइन लिखो यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का तरीका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, समझना। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन नॉट अफेक्टेड बाय ऑप्टिकल आइसोमर, लिख लो लाइन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन नॉट अफेक्टेड बाय ऑप्टिकल आइसोमर बट ऑप्टिकल आइसोमर कैन अफेक्टेड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट ऑप्टिकल आइसोमर कैन अफेक्टेड बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ। अगर किसी कंपाउंड में मैं अगर पहले ऑप्टिकल आइसोमर बना लेता, बेटा ऑप्टिकल आइसोमर, तो क्या होता बताओ? अगर मैं किसी कंपाउंड में पहले ऑप्टिकल आइसोमर बना लेता तो क्या होता बताओ, तुम लोग बताओ। अगर पहले कंपाउंड में अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर बताता तो तुम्हें जी आई पे आपका फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, मतलब ऑप्टिक। लेकिन अगर मैंने जीआई निकाला तो ऑप्टिकल आइसोमर चेंज हो सकते हैं। तो पहला इसका मतलब है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब समझ में आ गया? क्लियर हुआ फंडा? कंसेप्ट क्लियर हुआ पक्का? इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा बोलो, उसी के बाद हम ऑप्टिकल के बारे में सोचेंगे। लेकिन ज्योमेट्रिकल भी कहाँ निकालेंगे बेटा? जहाँ आपका होगा वहीं हम ज्योमेट्रिकल निकालेंगे, हर जगह नहीं निकालेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला दे रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर समझो, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन मैंने उस बेच में नहीं कराया, तुम्हारे आने चाहिए मार्क्स। अब देखो यहाँ पर जीआई होगा क्या? यहाँ पर कंपाउंड जीआई शो करेगा? जीआई शो करने के लिए रोटेशन हिंडर्ड, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग, गोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन, तो यहाँ पर जीआई शो करेगा क्या? ये कायरल सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर जीआई शो करेगा। अब सबसे पहले जीआई निकाल ले। अब इसका एक कौन सा कंपाउंड बनेगा? इसका एक बनेगा सिस और एक क्या बनेगा? ट्रांस। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक क्या बनेगा? सिस और एक क्या बनेगा? ट्रांस। एक सिस के अंदर एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा और एक ट्रांस के अंदर होगा, होगा कि नहीं होगा? एक सिस के अंदर एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा, एक ट्रांस के अंदर होगा, ठीक है। तो एक बार सिस की वजह से यहाँ पर एक और बनेगा, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा आपके? और ट्रांस में भी आपके एक खुद होगा, एक कायरल सेंटर वाला, कितने हो गए टोटल? तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए?
टोटल टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर, बोलो जी जल्दी से, चार हो गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टोटल ज्योमेट्रिकल कितने हुए, दो, और एक ज्योमेट्रिकल एक आपका सिस होगा तो एक क्या होगा, ट्रांस। एक सिस के अंदर भी कायरल सेंटर होगा, एक ट्रांस के अंदर भी कायरल सेंटर होगा, तो ये भी आपका एक एक दिखाएंगे, टोटल कितने हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए। समझ में आया किससे निकालना है, समझ में आया नहीं आया, अगला देखो एक और। अब जल्दी बताओ, अब यहां पर कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, जीआई का कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, एक आपका सिस होगा, एक आपका क्या होगा, हाँ एक आपका क्या होगा, ट्रांसिस के आपस में कट जाएंगे, क्यों, सिमेट्रिकल नहीं है। अगला क्या होगा, एक, ठीक है, अब सब में एक एक कायरल सेंटर होगा, इसकी वजह से कितने होंगे, 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 समझ में आ गया, क्लियर हुआ फंडा, टोटल कितने हो गए, आठ, क्लियर हुआ। अगला समझो, अब तुम्हें समझ में आता जा रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, अब नहीं आ रहा है अभी भी। अब मैं कैसे भी कर सकते न्यूमेरिकल हम लोग, अब ये खतरनाक हो गया, अब तुम्हारे होश उड़ गए। सामने देखो आप सब, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, बीच वाला क्या है, स्यूडो कायरल सेंटर है। अब स्यूडो कायरल सेंटर में केस क्या क्या बनेगा, अब या तो ये आपका सिस, ये आपका सिस, ये आपका सिस हुआ तो बीच वाला आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, या तो आपका ये आपका सिस हो जाए, ये आपका एस हो जाए, ये आपका सिस हो जाए, वो ने इन दोनों को कितना काउंट करना है, एक, क्लियर हो गया पहले फंडा। अगला कौन सा होगा बोलो जल्दी से, ये ट्रांस हो जाए, ये आर हो जाए, ये आपका ट्रांस हो जाए, तब इन दोनों को काउंट नहीं करना है, और एक कौन सा हो जाए, ये आपका ट्रांस हो जाए, एस हो जाए, और ये आपका ट्रांस हो जाए। ये सारे स्यूडो कायरल सेंटर की कंडीशन निकाल दी है मैंने, स्यूडो कायरल सेंटर इस टाइम पे काउंट नहीं होगा, अब किस टाइम पे काउंट होगा बताओ। अब ये सिमेट्रिकल भी है ना, सिमेट्रिकल भी है, तो सिमेट्रिकल का देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। अब मुझे बताना है इसमें यहाँ पर जीआई के कंडीशन कौन कौन से बनेंगे बताओ, टोटल जीआई के कंडीशन कौन कौन से बनेंगे जल्दी बताओ। एक आपका क्या हो जाए, सिस हो जाए, एक आपका क्या हो जाए, सिस हो जाए, ठीक है, एक आपका क्या हो जाए, सिस हो जाए, एक आपका क्या हो जाए बेटा वो जल्दी बोलो, सिस ट्रांस हो जाए, एक आपका क्या हो जाए, ट्रांस हो जाए, एक आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस, तीन बनेंगे, बात समझ में आ गया। अब इसकी वजह से अगर अब मैं बीच वाले की बात करेंगे, ऑप्टिकल सिस, ठीक है, सिस एस सिस कुछ फर्क पड़ेगा, दोनों एक ही होंगे ना, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, नहीं आया समझ में, सिस आर सिस और सिस एस सिस दोनों एक ही हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बात समझ में आ गया, दोनों एक ही तो है, दोनों को एक ही काउंट करेंगे, दोनों एक ही है ना, बीच वाला कायरल सेंटर तो नहीं है, दोनों एक ही कंपाउंड है, तो यहां पर कितना बनेगा, एक। अब इस केस में बोलो क्या होगा, सिस आर ट्रांस, सिस एस ट्रांस हो गया कि नहीं होगा, होगा, तो इसका कितना बनेगा बेटा आपका, दो, ठीक है, एक कौन सा बनेगा इसका, अब इसका बताओ, इसके कितने बनेंगे, एक, टोटल कितने आ गए, क्या ये टफ था, पूरा कंसेप्ट इसके अंदर आ गया, सबसे ज़्यादा इजी था ये, नहीं आया समझ में। अब तुम्हारे मन में एक चीज़ आया होगा, सर आपने ट्रांसिस वाला क्यों नहीं लिया, ट्रांसिस वाला लेके देखो, दोनों सेम हो जाते, सिमेट्रिकल होते, कटते,
सारे कॉम्बिनेशन बनाए या फिर आप लोग कर लोगे इससे? सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, कुछ कर लोगे इससे, समझ जाओगे? कॉम्बिनेशन बना के दे देता हूँ मैं, ठीक है ना? अब देखो एक क्या होगा, सिस तुम लोग कर लेना कॉम्बिनेशन, तुम लोग खुद से बनाना एक बार। ये था एकदम प्योर तरीका, तुम्हें इससे करना है, ठीक है? अब इसके अलावा एक और वो आपका आ सकता है, क्या यहां पर स्टूडियो कार्यालय सेंटर होगा? क्या यहां पर स्टूडियो कार्यालय सेंटर होगा? नहीं होगा, खत्म। स्टूडियो कार्यालय सेंटर से आपको छुट्टी, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा बताओ आप, ज्योमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, क्या होगा बोलो जल्दी से? जी जी आई कौन कौन से होंगे? सिस होगा एक, कौन सा होगा? सिस ट्रांस होगा एक, कौन सा होगा? ट्रांस। और वो ट्रांस और सिस वाला अपने आप चला जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने कार्यालय सेंटर है? दो, ठीक है? अब कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, सिस को सी लिख रहा हूँ मैं, सी आर आर सी। आपको सी सी में कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको किस में कॉम्बिनेशन बनाना है? सी सी में। अगला क्या होगा? सी सी तो फिक्स है, एक क्या हो जाएगा? आर एस, एक क्या हो जाएगा? सिस एस आर सिस, एक क्या हो जाएगा बेटा बोलो? सिस एस एस। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है तो कुछ होगा, क्या होगा? इसकी वजह से कितने बनेंगे, समझ में आ गया? अब साइड वाले मुझे सीटी सीटी ही रखने और बीच वाले को बदलना है। साइड वाले मुझे क्या रखने बेटा? सीटी सीटी रखने, बीच वाले को बदलना है, तो क्या होगा बेटा बोलो? ये क्या होगा? आर एस नहीं सॉरी आर 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 एस एस आर एस एस। अब ये बताओ क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में? नहीं कटेंगे, क्योंकि ये अब ट्रांस है, ये अब सिस है। मॉलिक्यूल अलग अलग है, मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग अलग है ना। अब ये नहीं कटेंगे क्योंकि ये अब ट्रांस है, ये अब सिस है। इस टाइम नहीं कटेंगे, इस टाइम कट सकते थे क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल थे। अब इस टाइम बताओ, इस टाइम भी कितने बनने बनेंगे? इसकी वजह से कितने बनेंगे? तीन। इसकी वजह से कितने बनेंगे? चार। इसकी वजह से कितने बनेंगे? तीन, ठीक है? और मीजो कितने होंगे इसमें से? एक यहाँ पर मिलेगा मीजो, एक कहाँ मिलेगा? टोटल कितने मीजो हुए, समझ में आया? टफ तो था। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। मीजो की डेफिनेशन पढ़, मीजो मर्स मैंने बताया था ना। हाँ अब ये सुनो, देख ये सिस होगा, ये आपका ट्रांस होगा, तो क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचेगी? तो अब जब ये आपका सिस हुआ, ये आपका सिस हुआ, तो एक बार तो प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचेगी। इसका मतलब वहां क्या होगा? मीजो होगा। टॉपिक को ट्रिक से नहीं समझना है, तुम मुझसे कोई सा भी ऑप्टिकल आइसोमर का क्वेश्चन ला दो, लूंगा पांच मिनट ले सकता हूं, लेकिन कोई सा भी ला दो, मैं सारे कॉम्बिनेशन बना बना के बता दूंगा, कौन सा आइसोमर होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। अब इसका भी फॉर्मूला मुझे बताना ही पड़ेगा। बाद कौन सा बचा है? साइक्लिक वाला।
लेकिन अभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बीच ऑप्टिकल डाला है, अब क्यों ना मैं एक और सीक्वेंस बना दूं, ऑप्टिकल के बीच ज्योमेट्रिकल डाल दूं, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन तुम्हें पहले स्टेप में करना क्या है, ज्योमेट्रिकल निकालना है। समझ में आ गया तुम लोगों को, ट्रिक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। अब अगर तुम्हें ये अगर कॉम्बिनेशन सेट बनाना आ गया तो ये मान लो कि तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम्हें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पर भी कॉम्बिनेशन का आएगा तुम्हें पता लगा लोगे, तुरंत तुरंत बनाने लग जाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मैं। अब देखो यहाँ पर कितने कार्य सेंटर है, दो कार्य सेंटर है, लेकिन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहीं है, कहाँ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? बीच वाले में होगा, बीच वाले में जी आई, बीच वाले में जी आई होगा ना। तो सबसे पहले जी आई की वजह से हम क्या निकालेंगे, सेस और एक के क्या क्या होगा इसका ट्रांस। अब क्या होगा बताओ, हाँ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा बताओ, सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, बीच वाला क्या क्या होगा, या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा, क्लियर हो गया। अब कैसे निकालेंगे बेटा, इसको मान लेंगे सिस और ट्रांस मैंने निकाल लिया, अब है ना, अब ऐसे सेट बना लो जहां आपके सिस सिस बीच में रहे और ट्रांस ट्रांस बीच में रहे, बताओ कौन कौन सा होगा, आर सिस आर, दोनों आर हो जाए, या तो कौन सा हो जाए बोलो, आर सिस एस, एस सिस आर, एक कौन सा हो जाए, एस सिस एस। अगला बताओ क्या बनेगा, आर टी आर, एक कौन सा बनेगा, आर टी एस, एक कौन सा बनेगा, एस टी आर, एक कौन सा बनेगा, एस टी एस, एस टी एस, ठीक है। अब बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो ये कटेगा बताओ, इसका क्या कटेगा बोलो, आर सी एस से आर सी एस कट जाएगा, कितने हो गए टोटल, यहां पर भी कुछ कटेगा, हाँ कितने हो गए टोटल आइसोमर, कैसे निकाला, सबसे पहले जी आई बना दिया, जी आई को इसके अंदर मिला दिया, समझ में आया तरीका। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो कितने बनते, आठ, कोई नया तरीका यूज नहीं किया है मैंने, ठीक है। अनसिमेट्रिकल होता तो कितने बनते, आठ। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम्हें फॉर्मूले से लगा लगा के देखना है, जल्दी जल्दी लगा लगा के देखो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कौन सा था, मैं फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है ना, अब फॉर्मूला समझना। अब देखो इसको भी स्टीरियोजेनिक एरिया बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर, मैं नाम समझो, कायरल सेंटर बोल रहा हूँ और ज्योमेट्रिकल वो क्या मैंने निकालता हूँ हमेशा एरिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो पॉइंट के बीच निकालता हूँ ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिया, और इसको एक के बीच निकालते तो क्या क्या बोलेंगे इसको, सेंटर, समझ में आया। तो कितने स्टीरियोजेनिक एरिया होंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया वर्ड का मतलब, स्टीरियोजेनिक एरिया वर्ड का मतलब जी आई की बात कर रहा हूँ, और स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब कायरल, मतलब कायरल सेंटर की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया। अब समझना, जब आपका अनसिमेट्रिकल रहेगा मॉलिक्यूल, क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल, समझना, अब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपका रहेगा तो टू की क्या होगा, एन, टू की पावर एन होगा, क्या, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर नहीं निकाला था हमने अभी तक, हमने अभी तक क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। अब समझो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे टोटल आपके,
टू की पावर एन, कंप्लीट बात टू की पावर एन होगा। अब जितने भी अनसिमेट्रिकल है चेक करो उसमें कितना आ रहा है, चेक करो कॉपी को पलटो, जितने भी अनसिमेट्रिकल वाले करवाए हैं चेक करो कितने आए थे, कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है बेटा। अब यहाँ पर n क्या होगा बेटा, n आपका स्टीरियोजेनिक एरिया प्लस स्टीरियोजेनिक सेंटर, दोनों एक ही होंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया प्लस स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब बताओ कितने हुए, पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में कितने स्टीरियोजेनिक एरिया प्लस सेंटर कितने हुए, दो हुए, तो टू की पावर कितने आ गए। दूसरे क्वेश्चन में देखो एट आ रहा है एग्जैक्ट, टू की पावर थ्री। अब अगर मैंने बोल दिया सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में क्या होगा, सिमेट्रिकल में आपका क्या होगा बेटा बताओ, सिमेट्रिकल में अगर इवन नंबर का होगा कौन सा होगा बेटा, अगर आपका इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो क्या होगा, टू की पावर एन माइनस वन प्लस, तुम लोग जानते हो सिमेट्रिकल में इवन नंबर में आपका अगर एन की वैल्यू रहेगी, एन की वैल्यू क्या आपकी रहेगी इवन नंबर में, और सिमेट्रिकल में तो टू की पावर एन माइनस वन क्या बोलेंगे, टू की पावर एन बाई टू माइनस वन, कॉमन सेंस सिंपल लगाएंगे। देखो लगा के देखो, जब आपका एन की वैल्यू इवन थी, एन की वैल्यू इवन थी और सिमेट्रिकल था, कोई क्वेश्चन कराया, देखो कितना आ रहा है, आ रहा है आओ अगला। अब देखो ओड, ओड में दो कंडीशन बनेगी, ओड नंबर में हमेशा, तुम लोग बताओ स्यूडो कायरल सेंटर वो ओड में होता है कि इवन में होता है, चेक करके बताओ, पहले भी मैंने पूछा था स्यूडो का कायरल सेंटर हमेशा कहाँ दिखेगा, जितने भी एग्जांपल की है बताओ स्यूडो कायरल सेंटर कहाँ दिखेगा, ओड में ही दिखेगा स्यूडो कायरल सेंटर, टी हाँ दिखेगा ना ओड में, तो यहाँ पर स्यूडो कायरल सेंटर भी आ जाएगा, समझ में आया। अब समझना, अगर ओड होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके कहाँ होंगे, बाहर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बाहर होंगे तब आपका स्यूडो कायरल सेंटर का केस बनेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले अगर आपके बीच में हुए, किस में हुए, बीच में हुए और ओड नंबर है तो क्या होगा, फॉर्मूला टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन, आपका ओड है ना एन माइनस वन बाई टू, ये क्या होगा जब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ होगा, सेंटर में, मिडिल में। अब ऐसे क्वेश्चन देखो जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने सेंटर में बनाए थे, देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ है बेटा, सेंटर में, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर प्लस एरिया है, थ्री, आप बताओ कितना हुआ, अगला एक और हो सकता है क्या, जब ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपके बीच में हो जाए, मिडिल में हो जाए और सिमेट्रिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, जी जल्दी बोलो, टू की पावर एन माइनस वन। अब चेक करो ये वाला, वो आपका एन क्या होना चाहिए, पहली बात ओड, एन क्या होना चाहिए ओड, उससे पहले क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल आपका, सिमेट्रिकल है ओड है, अब बता दो जल्दी से, हाँ फोर, यहाँ कितना आया था, सारे फॉर्मूले लग गए, ये सिस ट्रांस बाहर है नहीं, ये फॉर्मूले से बेटा, यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल वाला लगाना सीधा, हाँ तो कितना आया, आठ है ना, आठ ही कर नहीं आठ करवाया होगा मैंने, सिस ट्रांस ट्रांसिस एक ट्रांस ट्रांस भूल गई तू, हो गए आठ, ठीक है समझ में आ गया तुम लोगों को, क्लियर हो गया पक्का,
नई फाइल स्टार्ट हो जा सकता है।